व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग व्लॉग्स। तो आज वो दिन आ गया जिस दिन हम तीन निकल रहे हैं एक लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए। और अभी इसका लोकेशन मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, ये ऑन द वे आपको बताऊंगा कि इसका जो मतलब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जो लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी फॉलो करते हैं, तो उधर सबको पता है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम में आप फॉलो नहीं करते तो इधर आइडिया आ जाएगा, तो उधर फॉलो कर लेना, तो आपका इस ट्रिप के बारे में सब जानकारी आपको उधर ही मिल जाएगा। तो इस ट्रिप पे हम तीन एक साथ नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा जो दो भाई लोग हैं ये जाएंगे जूम कार पे, जो हम लोग बुक किए हैं ग्रैंड आइटन, और इसके साथ मैं जाऊंगा बाइक पे, पूरा 500 किलोमीटर जाऊंगा, और ये दोनों मज़े करते करते गाड़ी में जाएंगे। तो अभी मेरे को फटाफट पूरा गियर अप होना है बाइक के लिए, और आप लोग थोड़ा ये गियर पहनने का जो सेटअप है ये थोड़ा देख लो, तब तक मैं तैयार हो लेता हूँ। फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं मेरे डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी डेस्टिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, ऑन द वे बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा राइड पे जा रहा हूँ एक्चुअली। तो आप देख ही सकते हो कि मेरा जो राइडिंग गियर वगैरह है सबका तामझाम कैसा है। अभी तो ऑलरेडी मैप पूरा सेट है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा दो दोस्त जा रहा है जूम कार से, और जूम कार में दो सीट खाली था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कोई और एक बंदा ले लेते हैं, जिससे हम लोगों का थोड़ा मतलब वो जो दो लोग, मैं तो अकेला राइड करने वाला हूँ तो इसमें तो थोड़ा बोर्डनेस तो आएगा, लेकिन राइड में तो बहुत मज़ा होता है, जो राइड करते हैं उन लोगों को मालूम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए। इसको पिकअप करने के बाद हम लोग निकलेंगे हम लोग का जो डेस्टिनेशन है उसके तरफ। हाँ, बहुत हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस है वो दिखा रहा है 510 किलोमीटर समथिंग। तो अभी हम लोग पुणे और बेंगलुरु का जो एक्सप्रेस वे है उधर आ गया। आप साइड पे देख ही सकते हो कि पूरा जो माहौल पूरा चेंज हो गया, और सामने एक टोल नाका भी शायद है, और इसका जो मैंने फॉग लाइट आपको दिखाया था उसका रेंज अभी ऐसे ही आ रहा है। तो काफ़ी शानदार है नाइट राइड के लिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखते हैं, इस रास्ते में तो ट्रक वर्क का तो बहुत दिक्कत होगा, तो वही देख के फॉलो करके एक बार राइड करना पड़ेगा। ऑलरेडी 20 किलोमीटर हो गया, हम लोग निकल गए, पर 20 नहीं, मैंने ट्रिप थोड़ा बाद में सेट किया था इसलिए एक्चुअली वो 20 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 30 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। ये देखो, बंदा हेलमेट नहीं पहन के हाई रोड में क्या बताओ यार, हम तो क्या मतलब 10-12 हज़ार 20 हज़ार गियर्स पे डाल रहा है, ये लोग कैसे ही निकल पड़े। मतलब जिस ऐसा नहीं है कि हम लोग गियर्स पहने तो पूरा सेफ है, एटलीस्ट हाँ थोड़ा सेफ तो है। अब देखते मतलब नसीब खराब हो तो कुछ बता नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्टॉपेज है हम लोगों का सतारा, लोकेशन उधर जाके आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं इस वैकेशन पे। ऑलरेडी 45 किलोमीटर हो गया, हम लोग अभी सतारा की तरफ जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इधर का नज़ारा तो सुबह होने के तक मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब गाड़ी 70 के रफ्तार में हम जा रहे हैं अभी।
पता नहीं उन लोग किधर है एक्चुअली। वो टोल नाका में बहुत लंबा लाइन था और बाइक के लिए तो लाइन नहीं रहता, वो खाली रहता है, तो मैं तो निकल आया, लेकिन पता नहीं वो लोग किधर है, वो लोग किधर है पता नहीं। और ये सुहा देखने का मजा ही कुछ अलग होता है रे, तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुबह देखने का मजा ही कुछ और है। तो अभी कितना किलोमीटर, 55 हो गया, तो हर 10 किलोमीटर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है मेरा। अभी एक बार नजारा देख लो भाई लोग, अब मजा आ जा रहा है, मजा आ गया यार। अभी भी कितना, 1 घंटे का रास्ता है सतारा पहुंचने में। 7:50 8 बजे तक इधर दिखा रहा है, 8 बजे तक मैं पहुंचूंगा सतारा में। तो उधर जाके कुछ ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। अभी तो बहुत भूख लग चुका है मेरा, मेरे को बहुत ही भूख लग चुका है। मतलब ऑडियो क्या आ रहा है, अगर ये ऑडियो नहीं आएगा सही से तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरा। अभी लाइट बंद कर सकता हूँ मैं मेरा फॉग लाइट, क्योंकि ये तो साला अलाउड नहीं करते ये लोग। हाईवे में चलता है, लेकिन अगर फॉग लाइट लगा सकते हो आप लोग, अगर पुलिस पकड़ लिया तो इसी के कारण फाइन कर सकते हो। ये तो फुल राइट परमिशन है उसका, जो बताया आपको कि अगर आप किसी आदमी को ढूंढ रहे हो या कोई भी, मतलब आपके गाड़ी खाली है और आप कहीं पे जाना चाहते हो, तो ये ब्ला ब्ला कर बोल के एक ऐप है जहाँ पे आप ऐड डाल सकते हो, तो उधर से सब लोग मतलब कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। तो वैसे मैंने किया, तो एक बंदा को मैंने ढूंढा तो जो गोवा जाना चाहता है, सो हो गया। ओ भाई देखो भाई नज़ारा तो देखो, क्या लग रहा है यार। तो वो गियर चेंज कर लेते हैं, हाँ देखो क्या नजारा है, तो ट्रिप पे तो मजा आ गया। वही मतलब अगर जूम कर करके आ सकते हो तो थोड़ा जर्नी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और सेफ भी रहता है। और अब अगर बाइक पे आते हो तो ये पूरा आपके गट फीलिंग्स और पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये घाट चढ़ के अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। रास्ता काफी अच्छा है और नजारा तो भाई क्या बताओ यार, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि इधर रुक के फोटो खींचने का मन कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए, तो इसलिए थोड़ा। और इधर रुकने के बाद मतलब रुक के कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं इधर, तो इसलिए मैं इधर नहीं रुक रहा हूँ। और ये देखो बीच में क्या हो गया इसका। तो अभी एक मिनी ब्रेक लिया था चाय के लिए, तो वो लोग शायद सतारा पहुंच गए थे। मैंने उन लोगों को कॉल किया कि वो बताया कि हाँ पहुंच गया। तो अभी सीन क्या था कि मैं जहाँ पे गाड़ी खड़ा करके वो चाय ब्रेक ले रहा था, तो उधर उसके साथ एक जावा के बाइक भी था, ट्रैम टायर भी था, उसका फोटो मैंने खींचा। उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाया था, थोड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ रहा है। 80 से 100 के बीच में इस मैराथन गाड़ी का स्पीड है, तो ज़्यादा मैं तेज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में जब तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब तक गाड़ी में लॉन्ग राइड नहीं करते तब तक गाड़ी का जो फॉल्ट है वो आपको ठीक से समझ में नहीं आता। तो इस गाड़ी में मेरे को कुछ खामियाँ मिला जो मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए इसका नज़ारा, मतलब बहुत ही शानदार है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सतारा में। तो हम लोग अभी 110 किलोमीटर पुणे से आ गया,
और अभी हम लोग इधर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा जो भाई है ये भी इधर है। तो भाई पता कैसा लग रहा है, गजब रोड ट्रिप कैसा एंजॉय कर रहा है पता? गजब रास्ता बढ़िया है, ये भी है नीचे, हम लोग का भी है नीचे। अगर एवेंजर पे आता तो हम लोग का प्लान हुआ था पहले कि एवेंजर में आने के लिए, ये लोग एवेंजर पे आएगा, मैं मेरे बाइक पे आऊंगा। गाड़ी लेना मस्त है, ये रूट में गाड़ी मस्त है, मतलब इतना अच्छा रास्ता है इधर गाड़ी चलाने में, मेरे तो 110-115 में तो मेरा हिमालयन चल रहा है। तो अभी इधर से ब्रेकफास्ट कर लूँगा और करके मैं हम लोग निकलेंगे। वन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई जूम कर लेता हो तो 80 उसका स्पीड लिमिट है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग निकलेंगे कोल्हापुर के तरफ और उधर जाएंगे और इसका नज़ारा देख लो यार, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है इसका, मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग निकलेंगे कोल्हापुर के तरफ और चलो चलते। एक्चुअली क्या हुआ कि इधर मेरा वॉइस बहुत डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अभी मेरा जो हेलमेट का वाइजर है पूरा बंद किया हुआ है, इसलिए इसका जो साउंड है थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन मैं ही हूँ। हाँ ठीक है, मतलब आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं ही हूँ, लेकिन मेरा जो वाइजर बंद करने के बाद ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो अभी जो बात है कि हम लोग अभी निकल गए कोल्हापुर के तरफ, तो हम लोग कोल्हापुर में जाएंगे और मस्त चिकन कोल्हापुरी खाएंगे। हम रास्ते में जा रहा था, चिकन कोल्हापुरी खा रहा था, जो भी है इसके बारे में क्लेम ना आ जाए। इधर अभी 66 किलोमीटर बचा है, मतलब मैं 126 किलोमीटर था तो 60 किलोमीटर डन हो गया। ये 60 किलोमीटर मैंने किया 45 मिनट्स पे लगभग। तो ये हम लोगों का जो मेजर स्टॉप होगा ये शायद कोल्हापुर में जाके ही होगा। मेरे आइटिनरी के हिसाब से कोल्हापुर में हम लोगों को लॉन्च करना था, लेकिन पता नहीं कि हम लोग मतलब सब लोग उधर लॉन्च करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी अभी ऑलरेडी 45 मिनट्स मतलब 8:30 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट किए थे। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये सब लोग कोल्हापुर में लंच नहीं करते या नहीं करते। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो लोग पीछे रह गए थे क्योंकि वो टोल में वो रुके थे, तो उस टाइम पे मैं निकल के आ गया, तो इसलिए मैंने इधर रुका हूँ। और एक्चुअली ये जो रास्ता देख रहे हो ये कोल्हापुर के अंदर जा रहा है। हेलो गाइस, तो मैं जो बोल रहा था कि एक्चुअली अभी मैंने रिफिल करने गया था, तो उस टाइम पे उधर पेट्रोल नहीं मिला था, गाड़ी का भी रिजर्व पे होने वाला है, तो इसके अंदर मेरे को रिफिल कराना है। तो अभी मैं आ गया कर्नाटक के अंदर। एक्चुअली ये जो अम्बोली घाट है उसका जो कुछ पोर्शन है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर से निकलता है, तो इसलिए ये जो पार्ट है तो वो पहले पता नहीं था, तो इसलिए वो एंट्री का सीन आपको दिखा नहीं पाया। तो आपको बताता हूँ कि ये जो पार्ट है इसमें क्या होता है कि वो घूम के जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बॉर्डर इसको शेयर करता है, तो इसलिए हम लोग अभी कर्नाटका में आ गया। तो अभी तो इधर दिखा कि गोवा का जो रास्ता है वो और 150 किलोमीटर का है, तो सामने आपको अम्बोली घाट मिलेगा, तो अम्बोली घाट के बाद शायद और 110-120 का रास्ता होगा वो गोवा जाने के लिए। तो लंच সেটাই জিজ্ঞেস করছি, লাঞ্চ কোথায় করবি? 30 কিলোমিটার ঠিক আছে, টান টান চালা, লেট খাচ্ছিস কেন? फाइनली हम लोग पहुंच गए अम्बोली घाट के थोड़े पहले। एक्चुअली इधर से अम्बोली घाट का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर ऐसा कुछ,
तो अभी इधर हम लोग रुके हैं। एक्चुअली हम लोग पहले रुकना चाहिए था कोल्हापुर में, उधर हम लोग को लंच करना था, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे कोल्हापुर में लगभग 11 बजे, तो उधर हम लोग लंच नहीं किया था। 11 बजे कौन लंच करता है। तो अभी हम लोग है वो बता जो अम्बोली घाट के पहले, तो इधर एक रेस्टोरेंट मिला, इधर हम लोग लंच करेंगे और फिर चलेंगे अम्बोली घाट के तरफ। उधर से हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाएंगे गोवा में, और गोवा में हम लोग का आज फर्स्ट डे जाना है साउथ गोवा में। उधर कोलवा बीच के नज़दीक जो एक मैंने होटल बुक किया था, तो वो जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले जो खाना है, बहुत भूख लग चुका है, खाना पड़ेगा, चलो खा लेते। तो मतलब लंच करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े, और अभी हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो है जो आपको बताया, वो अम्बोली घाट वाटरफॉल्स। क्या दिक्कत हो गया यार, ये तो भी ना मतलब इतना दिमाग खराब है उसका। अम्बोली घाट से गोवा दिखा रहा था, जो गोवा मतलब हमारे जो होटल है वो दिखा रहा था 120 किलोमीटर, तो लगभग हम लोग 20 किलोमीटर सामने आ चुके थे, और एक रास्ता में थोड़ा मैं कंफ्यूज था कि राइट जाना है लेफ्ट, तो ये बोला कि सीधा जाना है। पता नहीं किसको पूछ के ये बताया सीधा जाना है, बस अब फिर से दिखा रहा है कि 116 किलोमीटर, मतलब जो 20 किलोमीटर आया वो पूरा बेकार में चले गए। तो फाइनली मैं आ गया गोवा पे, और मैं रुका हूँ फास्ट स्टॉप जो है गोवा में। तो इसका जो आइटिनरी है गोवा का, मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब जितना सारा वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में इसका आइटिनरी मैं डाल दूँगा। अगर कोई गोवा जाना चाहता है, आइटिनरी नहीं मिल रहा है, तो वो रेफ़र कर सकते हैं आप लोग। मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के थोड़ा रिसर्च करके ये बनाया था। मेरे दोस्त लोग भी गोवा, मतलब पिछले हफ्ते मेरा 5 दोस्त आए थे इधर गोवा घूमने, तो उनसे थोड़ा पूछ के, मेरे पहले जो दोस्त आया उनसे भी थोड़ा पूछ के मैंने ये आइटनरी बनाया था। होटल है जिसका नाम है एमिगो प्लाजा का, अच्छा रूम है जो आप पीछे देख रहे हो। इसका जो रूम का एम्बियंस, 3 लोगों के लिए मैंने बुक किया था। इसका कॉस्ट आया एक रात 1 नाइट के लिए 3000, तो ठीक है 1000 के लिए। इन्होंने ट्रिपल जो ऑक्युपेंसी है उसके लिए एक सोफ़ा कम बेड में हम लोग को ऑफर किया, और ये 2 बेड तो ऑलरेडी है। तो रूम कंडीशन अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा मेसी हो चुका है। हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, जैसे मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो आज क्या हुआ कि मैं GoPro तो शूट कर रहा था वीडियो, तो अचानक बीच रास्ते में पूरा बंद हो गया, मतलब ऑन भी नहीं हो रहा था। मैं सोचा था कि ये शायद हैंग हो चुका है। मैं उसका जो सेकेंड बैटरी है वो डाला, ऑन हुआ, फिर आधे घंटे में गायब, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मतलब लास्ट जो आपने शूट देखा था GoPro में, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ गोवा में एंटर करना, और मतलब कुछ भी शूट नहीं हुआ। मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था, और आज बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि पुणे से मतलब इधर आने में हम लोगों को 10 आवर्स के आसपास लगा, क्योंकि ब्रेक देख के देते हम लोग आए इधर। तो टायर्ड है आज थोड़ा सो जाना है इधर। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मतलब ये सीरीज ज़रूर देखना, बहुत शानदार चीज़ आने वाला है इसमें। और चलो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।